वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने फॉर्म्स हैं जनरली, तो आप लोग अपनी किताब में देख लेना, सोल प्रोप्राइटरशिप दिया हुआ है, पार्टनरशिप दिया हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिया हुआ है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी दिया हुआ है। ठीक, इन्हीं चारों के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इस चैप्टर में एक पार्ट और है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि सेकेंड पार्ट है, तो उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो है हमें पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके बुक में दिया है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आज। चलिए देखो, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, ध्यान से सुनना। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है ना, एक ऐसा बिजनेस जो कि ओन्ड का मतलब भाई किसी एक आदमी का होगा वो बिजनेस, मैनेज भी कोई एक ही आदमी करेगा और कंट्रोल भी कोई एक ही आदमी करेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है सर? एक ऐसा बिजनेस है, अ बिजनेस विच इज ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल। एक ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ एक आदमी कंट्रोल करता हो, जो कि सिर्फ एक आदमी मैनेज करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक, अब सुनो, ये जो इंडिविजुअल है, यही इंडिविजुअल है सारे प्रॉफिट का हकदार, इसी को मिलेगा सारा प्रॉफिट और यही सारा रिस्क भी बियर करेगा। भाई देखो, सिंपल सी बात, अगर तुम फायदा लेने के हकदार हो तो नुकसान लेने के भी पूरे हकदार होगे। अगर सिर्फ तुम ही पूरा फायदा ले रहे हो तो रिस्क भी सारा तुम ही लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट मत रखना। ये बच्चों वाली कहानियां मैं बता रहा हूं कि अगर तुम प्रॉफिट के हकदार हो, सारा प्रॉफिट अगर एक अकेला आदमी ले रहा है तो सारा लॉस भी एक अकेला आदमी लेगा। यार एज्यूम करो ना यार, सिंगल तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक, तो बिजनेस कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, अगर तुम फायदा मिलेगा तो सारा फायदा तुम लोगे और अगर लॉस होता है तो सारा लॉस तुम ही लोगे। ठीक, तो बस इतना ही है। अब बिजनेस विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई सिंगल इंडिविजुअल हु इज द रिसिपियंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट, जो कि रिसिपियंट है सभी प्रॉफिट का, जिसको सभी प्रॉफिट का हकदार है वो, जिसको मिलेगा, एंड बेरर ऑफ ऑल द लॉसेस, और माफ करना लॉसेस नहीं रिस्क है, और वही जो है ना वही रिसिपियंट है सभी लॉसेस का, यानी कि वही बियरर है। यहाँ पर रिसिपियंट नहीं लिखेंगे हम लोग, बियरर लिखेंगे। यहाँ रिस्क की बात आती है, लॉस की बात आती है, वहाँ पर बियर कहते हैं, वहाँ पर हम लोग बियर लिखेंगे। ठीक, तो वही सिंगल इंडिविजुअल जो है ना वही सारी सभी रिस्क को बियर करेगा, इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। दोबारा सुनो, अ बिजनेस विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करेगा, मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा, ओन का मतलब उसका बिजनेस है। ठीक, अब वही सिंगल इंडिविजुअल रिसिपियंट है सभी प्रॉफिट का और बियरर है सभी लॉसेस, सभी रिस्क का। ठीक, इज नोन एज व्हाट? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं फीचर्स पर। अब देखो ध्यान से, फीचर्स ध्यान से सुनना। पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो भाई, फॉर्म करने में कोई झाम नहीं है, बंद करने में कोई झाम नहीं है, एक एप्लीकेशन तो बंद हो जाएगा। ठीक, जैसे कोई तुमने छोटी मोटी फॉर्म खोल रखी है तो एक एप्लीकेशन तो बंद हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी। खोलने के लिए हार्डली कोई लीगल रिक्वायरमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होता है, जनरली ज़्यादा लीगल चीज़ों का डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब सुनो, हार्डली एनी लीगल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, जनरली भाई कई बार तो रिक्वायर्ड ही नहीं होती भाई। ठीक, और क्लोजर भी बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है, एक एप्लीकेशन तो बंद हो जाता है। ठीक, अब सुनो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई देखो, जब तुम सोल बिजनेस करोगे, सोल ट्रेडर तुम कहलाओगे। ठीक, अब जब तुम अकेले बिजनेस कर रहे हो तो अगर लॉस होता है ध्यान सुनना, अगर लॉस होता है और मालूम चाहते हो 50 लाख रुपये बिजनेस में लगाए थे और अगर लॉस कहीं 60 लाख का हो गया, तो भाई 50 लाख बिजनेस से तो सारे पैसे गए, अब जो 10 लाख रुपए और लॉस हुए ना, वो लॉस तुम अपनी घर बेच कर दो, अपनी प्रॉपर्टी बेच कर दो, अपना तुम कुछ भी बेच कर दो, अपने आप को बेच के दे दो भाई, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा। उसलिए इसको बोला गया क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भाई जितना भी लॉस हुआ, सारा लॉस तुम बियर करोगे। जब सारा लॉस तुम बियर करोगे तो हम लोग बोलेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये इसका फीचर है कि इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो तुम्हें अपने घर बार बेच कर तुम्हें पैसा चुकाना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट का मतलब है कि भाई देखो, सारा प्रॉफिट तुम ही लोगे और सारा रिस्क भी तुम ही बियर करोगे। ठीक, सारा प्रॉफिट तुम लोगे और सारा रिस्क भी तुम ही बियर करोगे, इसका सिंपल सा मतलब है। सोल का मतलब अकेले,
सोल का मतलब एक आदमी, सिंगल आदमी, सिंगल आदमी ही सारा प्रॉफिट का रिसिपिएंट, सारा प्रॉफिट वही लेगा और बियर भी सारा रिस्क वही करेगा। ठीक, कंट्रोल, अब सुनो मेरी बात, कंट्रोल के बारे में मैंने यहीं पर बता दिया था आपको, डेफिनेशन में ही बता दिया था कि ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल, कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, कंट्रोल भी सिंगल इंडिविजुअल ही करेगा, कोई सिंगल इंडिविजुअल ही कंट्रोल करेगा, जिसका बिजनेस वो कंट्रोल करेगा। ठीक, तो सभी डिसीजंस भी वही लेगा, सभी डिसीजंस वो खुद अकेले ही लेगा, सोलली ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय ओनर, और क्या। ठीक, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगला क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी यहाँ पर सिर्फ सेपरेट एंटिटी लिखा हुआ है, लेकिन आप जान जाओ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसकी कोई भी एंटिटी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लीगल एंटिटी, इसकी कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है। अगर हम लोग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई इसकी लीगल एंटिटी होगी, हर बिजनेस अपने ओनर से अलग है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो अकाउंटेंसी की बात थी, यहाँ पर हम लोग ना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसलिए बोले तो इसकी कोई भी लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एंटिटी का मतलब कोई इसकी खुद की पहचान, एक खुद भाई जैसे हम लोग एक आदमी हैं तो तुम एंटिटी हो, ऑब्जेक्ट एक तरीके से कह लो, उसी तरह बिजनेस का कोई पहचान नहीं है, वो जो है उसको लोग उसके ओनर के थ्रू ही जानते हैं, अरे ये तो उनका बिजनेस, वो अच्छा वो है, जैसे कहते हैं ना कि अरे उनसे पैसा ले आओ, अरे उनको हमने सामान बेच दिया, हम बिजनेस थोड़ी बोलते हैं, हम कहते हैं उनको बेच दिया, उस आदमी को बेच दिया, यानी इस बिजनेस की कोई पहचान नहीं है। ठीक है, जो है वो आदमी की है। अगर कंपनी की बात करते हैं, वो कहते हैं अरे हमने उस कंपनी को बेच दिया, हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम उस कंपनी के मालिक का नाम थोड़ी लेते हैं कि हमने इस कंपनी के मालिक को बेच दिया, नहीं हम कंपनी का नाम लेते हैं, जब कंपनी का नाम लेते हैं तो इसका मतलब कि उसका खुद का पहचान है, तभी हम कंपनी का नाम ले रहे हैं। ठीक है ना, उस केस में उसका खुद का लीगल एंटिटी होता है, इस केस में कोई लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, भाई मान लो आदमी पागल हो गया, मर गया, जेल में चला गया, ठीक, दिवालिया घोषित हो गया, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि बिजनेस खत्म हो सकता है, भाई जेल चले जाओगे कौन संभालेगा बिजनेस, बिजनेस हमारा वही बंद हो जाएगा। ठीक, अकेला आदमी है बिजनेस चला रहा है, अभी पता चला यार ये पागल हो गया तो बिजनेस कौन संभालेगा, कोई नहीं, सब बिजनेस बंद हो जाएगा यहीं पर। सोल ट्रेडर में यही होता है, यही सबसे बड़ी कमी है कि भाई आदमी मर गया, पागल हो गया, कुछ भी हो गया, जेल में चला गया, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक, दोबारा बोलते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, एक बार सबको दोबारा पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। देखो, फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसान, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सर अपना घर बार बेच कर भी उसको लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, लाइबिलिटी का मतलब कर्ज यार, कर्ज, कर्ज समझ रहे हो ना, कर्ज, भाई पता चला 50 लाख की जगह तुम्हारे 60 लाख का घाटा हो गया। ठीक, तो क्या घाटा हमारा कर्ज ही तो है, हमें देना है ना, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि हमें अपना घर बार बेच कर भी देना पड़ जाएगा। ठीक, सोल रिस्क बीयरर, सभी रिस्क का बीयरर यही है और प्रॉफिट का रिसिपिएंट भी यही है। कंट्रोल, ये अकेले ही कंट्रोल करता है, सोलली कंट्रोल करता है, सभी डिसीजन से खुद लेता है। अगला, कोई इसकी सेपरेट एंटिटी नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक, छठा क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, आदमी पागल हो गया, मर गया, जेल चला गया, उसकी वजह से क्या होगा सर, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं मेरिट्स पर, सुनो मेरिट्स में क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, भाई मेरे तुम अकेले आदमी हो, अकेला आदमी तुरंत डिसीजन लेगा कि मुझे क्या करना है, तो ये करना है, तो हम तुरंत डिसीजन लेंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे, उसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, यहाँ पर उसको फ्रीडम होता है अपने हिसाब से डिसीजंस लेने का। ठीक है, अपने हिसाब से डिसीजन लेने का उसके पास फ्रीडम होता है, भाई जैसे मन में वैसे तुम डिसीजन लो, फटाफट डिसीजन लो। ठीक, और जब भाई जब तुम डिसीजन लोगे ना, तो डिसीजन तुम अपने तक ही रख सकते हो, इसमें एक ये फायदा है, जैसे तुम्हारे पास मैम कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और अगर पता चला भाई 10 लोग कंपनी है, तो 10 लोग को बतानी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी। ठीक, 10 लोग मीटिंग करेंगे, और पता चला उसमें से किसी एक ने अपने दोस्त को बात लीक कर दी, और उसका दोस्त उससे आगे निकल गया, उसका दोस्त ने क्या किया, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा दिया। मान लो उसके दोस्त की एक कंपनी थी, इसने अपने दोस्त को बताया, इसके दोस्त ने फटाफट उस चीज़ को अप्लाई करके आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता है बातों की, इन्फॉर्मेशन की, भाई तुमने कोई आइडिया लगाया, ये आइडिया बहुत सॉलिड वर्क करेगा, और वो आइडिया तुम अपने तक ही सीमित रख सकते हो, जिससे और कोई ना जाने, और उस आइडिया को यूज़ करके तुम आगे बढ़ सको। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे सीक्रेसी मेंटेन रहती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है सर, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, गोपनीयता, इन्फॉर्मेशन की गोपनीयता मेंटेन रहती है। अगला पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब भाई मेरे यहाँ तुमने एफर्ट लगाया, यहाँ तुम्हारा रिवॉर्ड आया, यहाँ तुमने मेहनत की, यहाँ तुम्हारा हाथ में लड्डू आया, पर नहीं मतलब मेहनत का फल आया। ठीक,
तो यानी पर यहाँ क्या, यहाँ डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब है ना कि भाई मैं तुम यहाँ से मेहनत करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा, डायरेक्ट में इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब क्या भाई, इंसेंटिव जानते हो ना, थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं एक तरीके से कह लो, तुमने मेहनत किया तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, उसी एक्स्ट्रा बेनिफिट को हम लोग इंसेंटिव बोलते हैं। ठीक, तुमने थोड़ी और मेहनत की तुम्हें थोड़ा और फायदा मिला, वो जो थोड़ा और फायदा वो क्या है, वो इंसेंटिव है। और डायरेक्ट का मतलब क्या, यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब है कि तुमने यहाँ से मेहनत किया और यहाँ से लड्डू आ गया हाथ में, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है, यहाँ से तुम मेहनत करो यहाँ से आएगा, यहाँ से मेहनत करो यहाँ से आएगा। ठीक, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस का मतलब कह लो ना यार एक तरीके से, यहाँ पर सेंस को तुम सेटिस्फैक्शन कह सकते हो एक तरीके से, यहाँ पर फिट बैठ रहा ना। देखो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब भाई सक्सेस, अगर बिजनेस सक्सेस हो जाता है तो वो सेटिस्फैक्शन देता है किसको, सर सोल ट्रेडर को, सोल ट्रेडर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसी सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अकॉम्प्लिशमेंट का, यानी कि सक्सेस होने का उसको क्या मिल रहा है, सर सेटिस्फैक्शन, या मैंने यार बिजनेस चालू किया, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल रहा, मेरा बिजनेस क्या रहा, सर सक्सेसफुल रहा। जैसे कि बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सेटिस्फैक्शन की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, इससे क्या होता है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस जगता है उसके अंदर और वो मोटिवेट होता है और हार्ड वर्क करता है ताकि हम लोग आगे बिजनेस को और आगे बढ़ा सके और अच्छे मुकाम तक ले कर जा सके। ठीक, एक फायदे की बात ये है ना भाई मेरे कि आसानी से फॉर्म हो सकता है और क्लोज हो सकता है, जो कि हमने फ्यूचर में पढ़ा था, फ्यूचर में पढ़ा था ना फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर यहाँ पे भी आया हुआ है मेरिट्स में भी कि भाई आसानी से फॉर्म हो सकता है और आसानी से क्लोज होता हो सकता है, ये बहुत अच्छी इसकी मेरिट है। ठीक, चलो फटाफट मेरिट को रिवाइज करते हैं। सर क्विक डिसीजन मेकिंग, अकेला आदमी तुरंत फटाफट डिसीजन लेगा। ठीक, अगला क्या, सर डिसीजन लिया तो कॉन्फिडेंशियलिटी उसको रखेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब गोपनीयता, सीक्रेसी, सीक्रेट रखेगा उस चीज़ को, वो चाहता है किसी को ना पता चले, तो यहाँ पर सीक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। जैसे कई बार होता है लोग चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन किसी को बारीक को ना पता चल सके, लेकिन ये चीज़ कई बार पता चल जाती है, लेकिन ये सिर्फ बड़ी कंपनियों में होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ऐसा कभी होता ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो जाए, क्योंकि अकेला आदमी अगर वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी को ना बताऊं तो वो किसी को नहीं बताएगा, कौन जानता है सुनवाई में क्या चल रहा है, कैसा प्लान चल रहा है। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे सीक्रेसी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है मेरे दोस्त, यहाँ तुम एफर्ट लगाओगे वहाँ रिवॉर्ड आएगा, इससे क्या होता है हार्ड वर्क करते हैं उनको और मन करता है कि भाई मैं और हार्ड वर्क करूँ ताकि अच्छे से हमारा रिवॉर्ड, हमारा इंसेंटिव और आए। ठीक, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे क्या होता है ना, उसके सेटिस्फैक्शन, जो सोल ट्रेडर है उसको कंट्रीब्यूट करता है, उसको सेटिस्फैक्शन कंट्रीब्यूट होता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक, इसी को कहते हैं सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि अकॉम्प्लिशमेंट सक्सेसफुल होने का सेंस मिलता है, यानी सेटिस्फैक्शन मिलता है सोल ट्रेडर को। ठीक, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, आसानी से फॉर्म किया जा सकता है और आसानी से क्लोज किया जा सकता है, ये थी इसकी मेरिट्स। अब आते हैं डीमेरिट्स पर, डीमेरिट्स ध्यान से सुनना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्या है सर रिसोर्सेज लिमिटेड, अरे मेरे भाई तुम्हारे पास बस 85 लाख रुपए हैं, कितना बस 50, अब इसने में तुम क्या कर लोगे यार, लोग करोड़ों अरबों खरबों नरबों अरे जरबों कितना भी हो जितना भी हो मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि तुम्हारे पास 50 लाख है, सोल प्रोप्राइटर वाले छोटे बिजनेसमैन, जो छोटे व्यापारी, जो अकेला आदमी सिर्फ करता है उसको हम बात कर रहे हैं, जनरली ये नहीं छोटा होता, थोड़ा थोड़ा बड़ा भी लेवल पर भी है, लेकिन पैसा लिमिटेड होता है क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी के पास जितना पैसा होगा उतना ही तो वो पैसा लगा पाएगा, जितना उसने सेविंग की होगी सिर्फ उतना ही तो पैसा लगा पाएगा, उससे ज़्यादा कहाँ लगा पाएगा, तो लिमिटेड ही मानो, यहाँ पर लिमिटेड ही होगा, तुम्हारे पास पैसा लिमिटेड ही, उसी को बोला गया क्या, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, इस टाइप के बिजनेस में जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है, उसके पर्सनल सेविंग की इतना ही या फिर जितनी वो बोरो कर सकता है, भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोरो कर लोगे, 50 लाख तुम्हारे पास है, चलो भाई मान लिया तुम 30 लाख रुपए गवर्नमेंट नहीं बैंक से तुमने लोन ले लिया, 50, 60, 70, 80, बस 80 लाख तो हैं और कितने हैं तुम्हारे पास, लिमिटेड हैं जितने भी हैं। ठीक, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, भाई मेरे बोला तो ये डिमेरिट है, आदमी मर गया पागल हो गया, देखो मैं लिख रखा है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, आदमी मर गया पागल हो गया जेल चला गया तो क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो बिजनेस की लाइफ क्या है, लिमिटेड, उसके लिए क्या बोला गया सर, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ये डिमेरिट है। ठीक, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अरे ये तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे, तो सुनो ध्यान से मेरी बात, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक इससे डिमेरिट है क्योंकि बिजनेस में अगर अधिक घाटा हो गया, अरे मैंने बोला था ना 80 लाख रुपये तुम्हारे पास है, अगर मान लो 1.5 करोड़ का घाटा हो गया तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, जो एक्स्ट्रा 70 लाख रुपए हैं, वो तुम्हें अपनी घर बार बेचकर तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक, अपने पर्सनल एसेट्स को भी तुम्हें बेचने पड़ जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा मेरे दोस्त, इसी को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक,
ठीक है। अब सुनो, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब ना यार मैनेज करने की एबिलिटी, कि भाई देखो देखो भाई कंपनी में क्या होता है भाई, फाइनेंस एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, मार्केटिंग के अलग होते हैं, सेल्स के अलग होते हैं, प्रोडक्शन के अलग होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग एक्सपर्ट्स लोग बैठाए होते हैं, एक से बढ़ के एक लोगों को बैठाए होते हैं अपने कंपनी में। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, सारा काम एक ही आदमी को देखना है, तो जरूरी तो नहीं कि आदमी हर तरफ हर फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो, जरूरी तो नहीं। जिसको भाई प्रोडक्शन कराने बहुत अच्छे से आता हो वो भाई मार्केटिंग भी उसको आता हो। भाई भगवान ने सारी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर तो भर रखी नहीं है भाई, किसी के अंदर एक खूबी होती है, किसी के अंदर चलो दो खूबी मिल गई, सारी खूबियाँ तो नहीं मैच करेंगी ना मेरे दोस्त, सारी खूबियाँ नहीं मैच करेंगी। तो उसी लिए बोला गया लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यानी कि तुम्हारे पास सारी खूबी नहीं है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, सारी एबिलिटीज़ जो है मैनेज करने की, जो सारी एबिलिटीज़ है बिजनेस को मैनेज करने की, जो सारी एबिलिटीज़ है ना वो कूट कूट कर किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं भरा हुआ है। ये हर मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती एक आदमी के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, सारी एबिलिटी एक आदमी के अंदर नहीं होती है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।